अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अक्सा हसन हेयर। कल हम जी आपका टॉपिक पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नेगेटिव स्पेक्ट्रम एंड सॉरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कल हमने उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस देखी थी कि क्या होती हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम उसका कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर आज इस लेक्चर में। पहले हम पीछे से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एंटीबायोटिक इज एन एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स ऑन द टू मेजर बैक्टीरियल ग्रुप्स। हमने बताया था पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी होते हैं ये, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी हमने, मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो आ जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आ जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। फिर नैरो स्पेक्ट्रम का हमने पढ़ा था कि वो एंटीबायोटिक है जो एक लिमिटेड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती है। इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ी थी कि जो पुरानी पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जी, वो और मैक्रोलाइड जिसकी एग्जांपल में आ जाती है, वैंकोमाइसिन आ जाती है, और ये किसी भी एक ख़ास किस्म के टाइप की और टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं। अब आज हम इसका पढ़ेंगे कंपेरिजन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जनरली इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये मतलब सिर्फ दोनों हर किस्म के बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। नैरो में क्या होता है, ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सिर्फ एक खास किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ होंगी, या तो वो हो सकता है कि पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ हों, या हो सकता है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ हों। ठीक है, मतलब कि उनका स्पेक्ट्रम नैरो है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन कॉजेटिव एजेंट हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। अब आपको नहीं पता कि कॉजेटिव एजेंट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप सोच रहे हैं कि लेट्स से अगर आप कहते हैं कि गले का इन्फेक्शन है, और हो सकता है कि गले का इन्फेक्शन आपको पता चले कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, और आपने उसका कोई स्पेसिमेन भी नहीं लिया। उसके वजह से हो सकता है आप एक ये प्रॉपर वे होता है टेस्ट का कि आप स्पूटम लेते हैं पेशेंट का, और उसको फिर लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा जो एजेंट है माइक्रोबियल एजेंट वो इन्वॉल्व है इन्फेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये तो एक बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट में ऐसे किया जाता था कि कोई इन्फेक्शन हुआ उतना सा पार्ट लेके, या आपका रेशा अगर आपको गले का इन्फेक्शन है तो स्पूटम लेके वो चेक किया जाता था लैब में, और फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता था कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा जो माइक्रोब है वो इन्वॉल्व है। हो सकता है कोई वायरस इन्वॉल्व है, हो सकता है कोई फंगस इन्वॉल्व है। ठीक है, वो होता है प्रॉपर चेकिंग के लिए, लेकिन इतना तो ये पहले होता था। अब जितने पेशेंट्स बढ़ चुके हैं, जितना सब बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं, अब इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, अभी भी ये कर सकते हैं और ये ज़्यादा बेटर वे है। लेकिन अगर अभी आपने फ़ौरन से अगर उसको पेशेंट आया, आपने उसको देखना, आपने कहना कि ये अब इसके अगेंस्ट आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, तो जिस जगह को उसकी इन्फेक्शन है आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या आप पढ़ेंगे माइक्रो में कि कौन से जो बैक्टीरियाज हैं वो कौन से बॉडी पार्ट्स के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँगी कि किसी ऐसे बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है जहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, और मतलब ये तब देंगे जब आपको ये नहीं पता कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो फिर आप ऑब्वियसली ऐसे ही दे देंगे जो सबको ही मार देगी। ठीक हो गया, और नैरो स्पेक्ट्रम आप तब देंगे व्हेन द कॉजेटिव एजेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ऑब्वियसली अगर आपको ये पता है कि आपने लैब में चेक कर लिया, या आपको ये पता चल गया कि यहाँ का जो इन्फेक्शन है, लेट से मैं कहूँगी आँख का इन्फेक्शन है, तो वो सिर्फ ग्रैम पॉजिटिव ही बैक्टीरिया कॉज करेगा। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ही बैक्टीरिया वहाँ पे कॉज करेगा, तो आपको पता होगा कि सिर्फ मुझे ग्राम पॉजिटिव के ही अगेंस्ट जो है वो देनी है एंटीबायोटिक, तो फिर आप उसे दे देंगे ऐसी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या यूज व्हेन द पॉजिटिव एजेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ठीक हो गया, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिलेटिवली लेस सेफ है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया को मार देगी, आपके पेट में आपके गट में जो बैक्टीरियाज हैं जो गुड बैक्टीरियाज कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम माइक्रोबियल फ्लोरा भी कह सकते हैं, नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं, जो आपके गट में पाए जाते हैं, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये उनको भी मार देती है। ठीक हो गया, ब्रॉडली किल कर देती है सारे बैक्टीरियाज़ को। जो नैरो स्पेक्ट्रम है ये थोड़ी सी सेफ है, क्योंकि उन बैक्टीरियाज़ को किल नहीं करती, और ज़्यादातर यही जो है वो यूज़ की जाती है नैरो स्पेक्ट्रम जब आपका कॉजेटिव एजेंट जो है वो आइडेंटिफाइड हो।
चलो जी, आज का आपका लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको समझ आई है। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है? तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।